हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट ऑब्जेक्टिव इन वर्ड्स। ओके, तो हम सीखेंगे इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें वर्ड ओपन करना है। वर्ड ओपन करने के लिए सर्च, टाइप हियर टू सर्च, जस्ट टाइप वर्ड। ओके, क्लिक ऑन वर्ड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज सम स्टेप। द वर्ड आर्ट जनरली शो द डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल दैट यू कैन अप्लाई टू टेक्स्ट। यू कैन देन अप्लाई कलरिंग और अदर फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू वर्ड। ठीक है, वर्ड आर्ट के थ्रू आप टेक्स्ट जो होता है नॉर्मल, जो भी आप टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइटेड बना सकते हैं। सपोज आपको कोई फाइल वाइल सबमिट करनी होती है, या फिर कोई प्रॉपर आपको हेडिंग देनी है, या फ्रंट पेज बनाना होता है, उस केस में हम लोग वर्ड आर्ट के थ्रू क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो वर्ड आर्ट कहाँ से हमें मिलेगा? तो इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, डू द फॉलोइंग। प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपको जहां भी इंसर्ट करना हो वहां पे आपको कर्सर को ले जाना, वहां पे प्लेस करना। ओके, ऑन द इंसर्ट टैब आपको कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब पे जाना है। ओके, इन द टेक्स्ट ग्रुप, देखो जैसे ये टेबल ग्रुप है, ये पेज ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, कमेंट ग्रुप, लिंक ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कौन से ग्रुप में जाना है? टेक्स्ट ग्रुप। ओके, वेयर इज टेक्स्ट ग्रुप? दिस इज योर टेक्स्ट एंड वर्ड आर्ट का ये सिंबल है, ठीक है? देखो मैं यहाँ कर्जर को होल्ड करके रखी हूँ, तो यहाँ पे अपने आप को व्हाट इज, वहाँ पे वो शो कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है, दिस इज वर्ड आर्ट। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, तो हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ये काम करते हैं, सो दैट कि मैं अच्छे से इसको आपको शो कर पाऊँ। कहाँ पे जाना है? यू हैव टू गो टू इंसर्ट इन टेक्स्ट ग्रुप, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट। ओके, अब वर्ड आर्ट जो है वो आपको कैसा चाहिए, किस फॉर्मेट, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ऐसा शो होगा। यहाँ देखो थोड़ा शेडो सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ ऐसा आ रहा है, किस टाइप का, यहाँ हॉलो आ रहा है, ब्लैंक आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है, किस टाइप का चाहिए? सपोज आई वॉन्ट दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है? ये आपका वर्ड आर्ट यहाँ जनरेट हो जाएगा। आपको जो भी टेक्स्ट उस फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे आप टाइप करोगे, ठीक है? स्टेप देखो, ऑन इंसर्ट टैब इन टेक्स्ट ग्रुप, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट। नेक्स्ट स्टेप इज द वर्ड आर्ट गैलरी अपियर, सेलेक्ट द स्टाइल। जैसे ही हमारे पास स्टाइल आया, हमने एक सेलेक्ट कर लिया था। द प्लेस होल्डर अपियर्स इन द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, द टेक्स्ट विल अपियर इन द प्लेस होल्डर। अब देखो यहाँ पे ये है, दिस इज योर प्लेस होल्डर वेयर यू नीड टू राइट द टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू एड इन वर्ड आर्ट। ओके, जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ वर्ड 2016। ओके, तो ये देखो आउटसाइड मैंने क्लिक कर दिया, ये हमारा वर्ड आर्ट हेडिंग। क्या हेडिंग ऐसा आ पाता? आप नॉर्मल जो भी टेक्स्ट टाइप करते हो वो ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो, बट देखो इस समय थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, सपोज तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सेलेक्ट दिस, ठीक है, होम पे जाओ, यहाँ पे आप साइज भी चेंज कर सकते हो। मैंने 72 कर, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द कलर, आप यहाँ से कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करो, आपको जो भी कलर चाहिए कलर चेंज। इसको सेंटर पे करना है, सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है?
दिस इज स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग वन आर. तो रिवाइज करा देते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं. गो टू इंसर्ट टैब, देन गो टू टेक्स्ट ग्रुप, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट, चूज द स्टाइल वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट. फर्स्टली यू हैव टू प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू एड द टेक्स्ट, अदरवाइज यू कैन मूव दिस एनीवेयर. ठीक है, आप जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वहाँ कहीं पे भी आप इसको मूव करा सकते हैं. देन टाइप द टेक्स्ट ओवर हियर. ठीक है, यू कैन चेंज द साइज बिफोर राइटिंग और आफ्टर राइटिंग. बिफोर राइटिंग जस्ट फर्स्टली चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 90, 90 काफ़ी ज़्यादा है, 45. ठीक है, ये आ गए. अब कलर चेंज करना है इसका भी. आप कलर चेंज, चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग टेक्स्ट. आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, जैसे आपने कोई डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप फिगर, वो कौन सा फिगर है वो आप मेंशन करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आप टेक्स्ट बॉक्स में सर्च कर सकते हैं. अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक टेक्स्ट. आप अटेंशन तो वर्ड आर्ट के थ्रू भी दे सकते हो, बट वो ज़्यादा अटेंशन देता है. मिडिल लेवल का अगर आपको अटेंशन देना है देन यूज टेक्स्ट बॉक्स. ओके, यू कैन फॉर्मेट बोथ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट विद इन. द टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी फॉर्मेटेड एज वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट में जैसे आपने फॉर्मेटिंग किया था उस टाइप से आप टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स इन द डॉक्यूमेंट. प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट. योर फर्स्ट स्टेप हमेशा रिपीट होगा. ऑन द इंसर्ट टैब इन टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स. हम यहाँ तक जा सकते हैं क्लिक कर, लेकिन लास्ट टाइम हमने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया. दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन टेक्स्ट. Then click on one of the text box type. यानी insert tab में यहाँ पर text box है. आपको जो सा भी text box चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, even you can draw the text. ठीक है, आप draw भी कर सकते हैं. Then select one of the select one of the text box type or click on draw text box. Drag the mouse to draw the text box. ठीक है, आपको ड्रैग करते हुए ड्रॉ करना है. टाइप द टेक्स्ट. इफ यू विश टू चेंज द फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट सेलेक्ट. तो ये सारा तो खैर हमने वर्ड आर्ट में भी किया था. फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, ये सारा आप चेंज कर सकते हो यूजिंग होम टैब. क्लिक एनी वेयर आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट. अब हम लोग कैसे सीखेंगे हाउ टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कर्सर मूव करना है, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद भी आप टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हो. ओके, जो भी स्टाइल चाहिए आप ले सकते हो. अदरवाइज आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई ओन टेक्स्ट. सपोज यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे. टेक्स्ट बॉक्स मीन्स आउटसाइड आपका बॉक्स है, वर्ड आर्ट यहाँ से ओनली टेक्स्ट. ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है. जैसे ये देखो, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखो टेक्स्ट बॉक्स मतलब आपको ऐसा चाहिए. ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स का, इस टाइप का चाहिए या शेडेड आ रहा है. ठीक है, ऐसा चाहिए बटन जैसा वो शो होगा, है ना, ऐसा भी ले सकते हैं. आपकी जैसी मर्जी आप ऐसा भी ले सकते हैं. ठीक है, ट्रांसपेरेंट आएगा. चलो मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स करती हूँ. ओके, शेप आउटलाइन. अब देखो जब आप यहाँ पे आउटसाइड क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटलाइन जो है वो सेम कलर का है. बट इफ यू विश टू चेंज द आउटलाइन तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेप आउटलाइन आप
कुछ और देना है। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आउटलाइन शो हो रहा है, ठीक है। आप आउटलाइन का कलर ले सकते हो, मैंने यहाँ रेड ले लिया तो रेड कलर में आएगा। नो आउटलाइन इफ यू वॉन्ट, आई वॉन्ट नो आउटलाइन एंड आई विल क्लिक ऑन। अब जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ टाइप करना है, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट इफेक्ट भी होता है, सॉरी शेप इफेक्ट। जैसे शेप ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका इफेक्ट देखो शेडो इस टाइप का, जो भी आप इफेक्ट वगैरह भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पर डाल सकते हैं। अब नाउ आई वॉन्ट टू एड सम टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो आप यहाँ पे होम टैब पे जाओ और जो भी साइज में आप यहाँ पे चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में मेरा टेक्स्ट ऐड, मैंने 24 कर दिया इन बोल्ड, और यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया मोनोटाइप का। और मान लिया टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं सपोज आई वॉन्ट टू राइट इन दिस कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखें जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड वर्ड इज, अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपको लग रहा है काफी लार्ज है, तो आपको क्या करना है माउस का जो कर्सर है ना लेफ्ट वाला क्लिक है उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, और उसको ड्रैग करना है। मैंने इसके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हो गया आपका। This is the step. These are the steps for adding text box in your doc. Okay. Next is inserting shapes. बहुत सारे shapes होते हैं। आपको suppose कोई diagram वगैरह बनाना है ना? बहुत सारे शेप्स ऐड करने हैं, सर्कल ऐड करना है, रेक्टेंगल ऐड करने हैं, इजीली आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है एक बार मैं रीड करके डॉक्यूमेंट बता देती हूँ फिर मैं शो करूँगा। इंसर्ट शेप्स, यू कैन इंसर्ट अ वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज स्टार्स, ठीक है, एरोज, इक्वेशन से बहुत सारे शेप्स। क्लिक एट द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द शेप। इस स्टेप को आप नहीं भी फॉलो करते हो तो बाद में हम ड्रैग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेकेंड स्टेप इज ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक शेप्स। इंसर्ट नहीं जाना है, अभी हम इंसर्ट टैब का ही कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे जाना है वेरी शेप इन इलस्ट्रेशन ग्रुप शेप्स, जस्ट क्लिक ऑन शेप, ओके। देन सेलेक्ट द डिजायर शेप इन द गैलरी दैट ओपन। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स अवेलेबल, आपको जैसा भी शेप चाहिए। जैसे यहाँ रिसेंटली यूज मैंने जैसे यूज किया तो ये रिसेंट में आ रहा है, लाइन्स में ये सारे टाइप के लाइन्स आ रहे हैं, बेसिक शेप्स है ये सारे। नेक्स्ट ब्लॉक एरो आ रहे हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के लिए ये यूज करते हैं, कॉल आउट टेक्स्ट कॉल आउट डायग्राम आ रहे हैं, ठीक है, स्टार एंड बैनर्स के लिए जो डायग्राम यूज होते हैं। न्यू ड्रॉ कैनवस मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो, ओके। नेक्स्ट इज द कर्सर चेंज टू प्लस साइन। आपका कर्सर जैसे जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, उसका मतलब आपको ड्रैग करके ड्रॉ करना। ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप, यू कैन ऑल्सो एंटर टेक्स्ट इन साइड द शेप, ओके। अब आप शेप के अंदर भी टेक्स्ट आप इजिली इंसर्ट कर, ठीक है, इवनिंग टेक्स्ट बॉक्स में जैसा स्क्वायर शेप में ही आ रहा आएगा है, और यहाँ पे आप बहुत सारे शेप आप सर्कल ले लिए, सर्कल के अंदर भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते। चलो शो करती हूँ हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट, हमें ये सारा पहले वाला डिलीट कर। गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक ऑन शेप्स,
फ्रॉम गैलरी चूज एनी ऑफ शीट चूजिंग सपोज आई एम चूजिंग दिस वन जस्ट ड्रैग द माउस देखो प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया ना मीन्स यहाँ पे ये एरिया में बिग स्माइल यू कैन चेंज द कलर जैसे मैंने ब्लैक कर दिया ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये येलो लेते हैं येलो स्माइल ओके। अब सिमिलरली यहाँ पे आउटलाइन में नो शेड है आपको जो लेना है इफेक्ट चेंज कर सकते हो सॉफ्टवेयर देखो साइड साइड में थोड़ा ब्लर आ रहा है ओके। अब इस शेप को आप स्मॉल लार्ज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है। नीचे से ड्रैग करोगे तो यार ठीक है और भी बड़ा करना है तो आउटसाइड वाले बॉक्स का साइज बड़ा कर लो इनसाइड वाले को बड़ा कर लेना राइट क्लिक ऑन दिस दिस इज ऑप्शन फॉर एड टेक्स्ट एड टेक्स्ट हाय मैंने यहाँ पे क्योंकि कोई साइज नहीं चेंज किया तो ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक 11 ही आता है 11। अब आप इसका साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं साइज कलर वट एवर यूज ऐसे हम ऐड करते हैं शेप्स बहुत सारे शेप्स हैं आप ट्राई कर सकते हो ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग पिक्चर दिस इज ऑल्सो वेरी जैसे मैंने लास्ट टाइम सारा किया है इंसर्टिंग पिक्चर मीन्स प्री डिफाइंड जो भी पिक्चर्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसको आपको अपने नोट्स में आपके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेप इज Place the cursor at the position where you want to insert the picture. That's the first step. This आप ignore भी कर सकते हो आप बाद में move कर सकते हो picture को जो आपने insert करनी है। On the insert tab in the illustration group, especially illustration group में in insert tab, ठीक है यहाँ पे picture option. Click on this. This device or online. Online मतलब अभी आप search करके भी डाल सकते हो या फिर device में अगर आपके है available तो आप हो ओके। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन मूव द फोल्डर दैट कंटेन्स द पिक्चर यू नीड सेलेक्ट द पिक्चर और पिक्चर्स एंड क्लिक इंसर्ट द पिक्चर विल गेट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट ओके। सो आई वॉन्ट टू इंसर्ट पिक्चर क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ग्रुप गो टू इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन पिक्चर आई एम गोइंग टू ऐड पिक्चर फ्रॉम माय डिवाइस ओके। देखो ये ओपन नहीं है अब आपका फाइल कहाँ पे है वो आप सर्च करना अगर आपके डेस्कटॉप में है कैमरा वगैरह में तो है नहीं हमारा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो ठीक ही नहीं है तो गो टू डेस्कटॉप ये रहा एक पिक्चर है मेरे सिस्टम में ये ले लेती हूँ क्लिक ऑन दिस या आपको मानिए दो पिक्चर इंसर्ट करना है जैसे ये भी करनी है ठीक है ये दोनों इंसर्ट ठीक है ना दोनों सेलेक्टेड है इंसर्ट कर दो ठीक है दो पिक्चर साथ साथ इंसर्ट होगी ये पूरा होल एक पिक्चर है देखिए आउट आउटलाइन दिखती है आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्मॉल लार्ज कर सकते हो ठीक है ये एक पिक्चर था और ये एक पिक्चर ठीक है। अब इसमें फ्रेम वगैरह आता है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो इसको थोड़ा सा प्लांटिंग कॉर्नर कट कर दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस
लुकिंग नाइस, यहाँ पे शेडो भी आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ इंसर्ट टैग क्या क्या सीखा, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, हाउ टू इंसर्ट शेप्स, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। तो ट्राई दिस इफ यू हैव लैपटॉप और सिस्टम, अदरवाइज यू कैन वॉच ट्वाइस और ट्राइस, यू कैन इजीली लर्न एंड अप्लाई व्हेनेवर यू नीड। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।